गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आई एम रश्मिरंजन पांडे, मैथ टीचर है रॉयल एंट्रेंस स्कूल खेड़ा। ओके बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड थ्री आई मीन क्लास थ्री में जो सब्जेक्ट है मैथ टीचर हूँ ना, तो मैथ पढ़ाऊँगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं क्या आपको बताता हूँ कि आप कैसे पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, तो टॉपिक क्या है ना, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, मतलब दोनों ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर टू है ना, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो पहले आज हम एडिशन बारे में पढ़ेंगे, एडिशन के बारे में। ओके तो बच्चों, एडिशन मतलब क्या है आपको पता है, क्योंकि आप तो स्टैंडर्ड थ्री में पढ़ रहे हैं। नहीं तो एडिशन मतलब क्या है बताओ। हाँ, ना जोड़ना ही पड़ेगा। ओके तो बच्चों, आज हम एडिशन पढ़ेंगे, उसके बाद सबट्रैक्शन बारे में पढ़ेंगे। तो एडिशन देखो बच्चों, एक कैरी वाला एडिशन है, एक विदाउट कैरी वाला। मतलब सपोज आप पहले क्या पढ़ा था ना, 39 मतलब 39 24, तो 9 + 4 क्या हो गया, 9 + 4 कितना है 30। तो एक से 30 लेते हैं क्या, नहीं तो 1 को कैरी करते हैं, तो ये है कैरी वाला एडिशन। तो 9 + 4 13, 3 रखकर 1 कैरी हो गया, 1 + 3 + 2 63। ओके क्या हुआ ना, 63। तो इसको बोलते हैं हम कैरी वाला, कैरी वाला एडिशन। ओके तो बच्चों, तो पहले हम विदाउट कैरी वाला एडिशन पढ़ेंगे, उसके बाद कैरी। ओके ठीक है, तो बच्चों हम स्टैंडर्ड थ्री में इतना बड़ा बच्चा हो गए, तो ऑलरेडी हम 3 डिजिट कंप्लीट हो गए, तो अभी हम 4 डिजिट को लेकर एडिशन करेंगे। ओके लेकिन विदाउट कैरी, पहले विदाउट कैरी वाला एडिशन ही करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, तो 4 डिजिट मतलब 1s, 10s, 100s and 1000s। ओके तो एक डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट आएगा, तो 1s, 10s, 3 डिजिट आएगा, तो 1s, 10s, 100s और 4 डिजिट आ जाएगा, तो 1s, 10s, 100s and 1000s। ओके तो देखो बच्चे, हम 4 डिजिट वाला एडिशन नहीं करेंगे। तो देखो विदाउट कैरी, ओके 5 3 2 6 4 3 5 1। ओके देखो बच्चों, ए है 4 डिजिट नंबर, ए भी है 4 डिजिट नंबर। ओके तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो हम अभी क्या करेंगे ना, एडिशन करेंगे। ये क्या है, एडिशन का सिंबल है ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा ना, कहाँ से शुरू करेंगे आपको पता है, राइट से ना लेफ्ट से, राइट से, क्योंकि वन राइट में है वंस, तो वंस को लेकर पहले हमको एडिशन ही करना पड़ेगा। तो 6 + 1 आपको पता है 7, 2 + 5 7, 3 + 3 6, 5 + 4 9। ओके तो वहां से विदाउट कैरी वाला, इसको क्या बोलते हैं, विदाउट कैरी। ओके क्या बोलते हैं ना, विदाउट कैरी। तो अभी आपको पता चल गया कि कैसे करना पड़ेगा। देखो वंस में हाइट था, अभी देखो उसको, इस नंबर को क्या बोलेंगे बताओ, ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 डिजिट नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे नंबर से बताओ ना, 5326। ओके ये हो गया पहला नंबर, उसके साथ क्या एडिशन होगा, और दूसरी नंबर जो है क्या है ना, 4351। ओके तो 5326 + 4351
251, इस दोनों को हम ऐड करेंगे, ना नहीं ऐड हो गया। तो वंस में है जो 5326, वंस में क्या है ना 6, एंड 4351 में वंस में क्या है ना 1, तो इसलिए 6 प्लस 1 को ऐड किया। इसका मतलब है 6 प्लस 5 को ऐड कर देंगे, गलत हो जाएगा कि नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर में वंस में जो है, इस नंबर में वंस में जो है दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद वंस के बाद टेंस, तो 5326 में टेंस में क्या है ना 2 है, 4351 में टेंस में क्या है ना 5 है, तो 2 प्लस 5 को ऐड किया हो गया 7। उसके बाद वंस टेंस खत्म हो गया, उसके बाद क्या आ गया ना हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में है 3, उसमें भी हंड्रेड से में क्या ना 3, तो 3 प्लस 3 हो गया 6। उसके बाद थाउजेंड में है 5 और थाउजेंड में है 4, तो 5 + 4 हो गया 9। तो अभी आंसर क्या हो गया ना 9677, ओके 9677। उसके हम कैसे लिखेंगे वर्ड में, वर्ड में कैसे लिखेंगे ना 9000, तो 9 9000, उसके बाद क्या है ना 600, 600, उसके बाद क्या है ना 70, मतलब 70, ये क्या है ना 7, ओके। तो अभी हमको पता चल गया क्या ना 5326 के साथ 4351 को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया ना 9677, मतलब इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे ना 9677। तो ये हो गया विद्योग टू कैरी को लेकर हम कर दिया एडिशन, ओके। उसके बाद, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करना पड़ेगा ना, देखो बच्चे 1000 में नंबर चेंज कर देंगे, हम नंबर चेंज कर देंगे, और एक एग्जाम्पल देने के लिए हमको नंबर चेंज करना ही पड़ेगा, ओके। तो देखो आप बताओ एक नंबर, ठीक मैं नंबर आपको बताता हूँ, ओके 1000 में 5, 4, 6, 3, 2, 5, 3, 6, ओके। तो क्या करना पड़ेगा ना एडिशन, तो 3, 6, 4, 5, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे ना 5463। उसके बाद के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, हाँ नीचे में जो नंबर है 2536, ओके। तो अब मैंने आपको बताया था जो वंस को वंस में एडिशन करेंगे, टेंस को टेन में, हंड्रेड को हंड्रेड से, और थाउजेंड से थाउजेंड। देखो पहले जब आपको नंबर मिलेगा, मतलब मैंने आपको बता देंगे, देखो क्वेश्चन में पहले क्या आएगा ना 5463 एडिशन 2536। बहुत सारे बच्चे गलत में ऐसे कर देंगे, देखो ऐसे कर देते हैं 252 आंस लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 6 ऐसे हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है वंस के लिए, ए ही रहेगा वंस के लिए, ओके। तो लाइन ठीक रहना चाहिए, मतलब वंस को वंस में, टेंस को टेंस में, हंड्रेड को हंड्रेड में, और थाउजेंड को थाउजेंड, ओके। इसलिए आपको ठीक से लिखना ही पड़ेगा इस तरह से, ओके। तो 6 + 3 बताओ क्या हो गया 9, और 6 + 3 ये भी 9 हो गया। उसके बाद 4 + 5 वो भी 9, उसके बाद 5 + 2 7। तो आंसर आ गया
5463 को 2536 से ऐड करने के बाद हम आंसर क्या मिल गया, क्या बताओ? 7999। ओके, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ये जो नंबर हो गया 7999, उसको आप नंबर्स जो है वर्ड में लिखो, आई मीन वर्ड्स लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? 7999। ओके, देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में से आएगा, करने के बाद एडिशन करने के बाद सपोज आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, आपको नंबर्स को देखो हम ऐसे पढ़ना चाहिए। देखो जैसे हम ये नंबर है, ये उस नंबर का नाम है, नंबर नेम है, मतलब उसको वायर में लिखा हो गया, ये नंबर में इसको वायर में लिखा गया, लेकिन दोनों समान है। लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। देखो मैंने आपको दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपका जो प्लेस है, जो प्लेस वैल्यू है, वंस टेंस थाउजेंड थाउजेंड, ये आपको पता चल जाएगा। और आप जल्दी से जल्दी आप नंबर देखने के बाद आपको भी याद आ जाएगा कि ये है थाउजेंड का प्लेस, ये है हंड्रेड्स का, ये है टेंथ का, ये है वंस का। तो आप इजीली पढ़ देंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे ना 7999, तो आप ऐसे पढ़ देंगे, ऐसे निकल देंगे। ओके ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले तो आज क्लास लिया, तो आपको एडिशन के बारे में तो पहले पता था, लेकिन आपको इस क्लास में जो मैं बताया, इसका सबसे बड़ा एम क्या है ना, आपको जो लिखना है जो वांस को वांस में एडिशन करना पड़ेगा। आपको पता है 29 और 32, आपको जो टू डिजिट नंबर है तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या है, वन। तो एक कैरी वाला हो जाएगा वन, उसको लेकर 1 to 61। तो मैंने तो आपको टू डिजिट में बड़ा बच्चे हो गया, तो हमको फोर डिजिट वाला ही पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फोर डिजिट को लेकर आज एडिशन कर लिया। तो आप दो चार एग्जांपल लेकर आप भी एडिशन करो, जैसे वंस को वंस में करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कैरी वाला एडिशन ही पढ़ाऊंगा। ओके।